हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज शुभम फ्रॉम शुभम कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बैनर गेट डिज़ाइन करते हैं, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए और आपको हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें साइज़ लेना होगा, किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए साइज़ लेना होता है। साइज़ लेने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और क्लिक करेंगे 10 और नीचे कर देते हैं 2.5, मतलब जिसे आप ढाई भी कहते हैं। तो बस बहुत ज़्यादा हम बड़ा गेट नहीं बनाएंगे, एक नॉर्मल ही गेट बनाएंगे। रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे और डबल क्लिक कर देते हैं। इस तरह से ये आ गया है और 10 फीट का इधर भी हम कर लेते हैं, या यदि आप 12 फीट, जैसे भी आपको समझ में आए आप उस तरह से अकॉर्डिंग में अपने बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि केवल आप यही साइज रखें, जो भी आपको साइज पसंद आए आप उस साइज में रख सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से रोटेट कर देते हैं। हम पहले एक तरह से गेट के जो डिज़ाइन है उनको सेट कर लेंगे, फिर हमको डिज़ाइन करने में आसानी होगा। तो यहाँ से हम इसे सेट कर देते हैं। अब इन सब मैटर को हम थोड़ा साइड करेंगे और इसे सेलेक्ट करते हुए हम इस साइड लेकर आते हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो गेट होता है इसी एंगल में और इसी आकार में रहेगा। अब इनमें हमको डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन अच्छे से सेट करना है। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, एक हिस्से को ऊपर की ओर रख देते हैं कि एक आप देख सकते हैं बिना बने हुए कैसे लग रहा है, एक बनने के बाद आप देखेंगे कैसा ये लगता है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, कोई अच्छा बैकग्राउंड बना देते हैं। तो प्रेस करेंगे जी, जो शॉर्टकट है इंटरेक्टिव फिल टूल का। यहाँ से हम कलर फिल करेंगे। हम इसमें कोई भी बाहरी बैकग्राउंड का यूज़ नहीं करेंगे, तो आप अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने सिस्टम में भी बना सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि हम यहाँ पे लेंगे रेड कलर और नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइट कलर है। तो इस पर एक बार क्लिक करते हैं और चले जाते हैं अदर पर। यहाँ से आपको जाना होगा मॉडल्स पर और यहाँ से हम कर देते हैं 100 एंड यहाँ पर 60% और फिर करेंगे इसे ओके। तो ये देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन आपका और भी अच्छा लगने लगा है। इस तरह से आप इसे बना लेंगे अपने कलर को। ये हो जाने के बाद यहाँ से हम लेते हैं इस रंगोली को और इस रंगोली को हम सेट कर देते हैं। इसे आप बड़ा कर दें और इसे साइड में लाएं, कंट्रोल प्लस एंड प्रेस कर देंगे और मैटर को हम कर देते हैं ई प्रेस करते हुए सेंटर। आप इसको अच्छे से सेंटराइज कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मैटर को सेंटर किया है। उसके बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे, या तो हम इसे यहाँ पर लेकर आ जाएं और इसे भी कंट्रोल प्लस एंड कर देंगे और यहाँ से हम इसके भी सेंटर को सेट कर देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम रूलर के द्वारा एक सेंटर को यहाँ पे मिला लेते हैं और फिर इसको कर देंगे डिलीट। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना होगा, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम करते हैं पावर क्लिप। तो पावर क्लिप करने के लिए आपको जाना होता है इफेक्ट मेन्यू, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर एंड यहाँ पे करना होगा क्लिक। तो मैटर आपके पावर क्लिप के अंदर चले गए हैं। कंट्रोल और माउस क्लिक के द्वारा पावर क्लिप के अंदर जाने के बाद आप इनके गैपिंग को भी और कम कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये बाहर न रहें, केवल आपके मैटर शो करें। तो इस तरह से हम इसे भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपके नेम रहेंगे, शॉप के नेम, जो भी कंपनी के नेम रहेंगे, आप वहाँ से बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से मैं पहले मैटर को सेट कर देता हूं, उसके बाद इनमें कलर फिल करेंगे। यहां से हम इन सब मैटर को लेकर आते हैं, इन सब ज्वेलरी को भी ले लेते हैं और इसमें सेट कर देते हैं। अब बारी बारी इन सब डिज़ाइन को हम सेट करेंगे। तो यहां से जो नाम रहेगा हम इसे और बड़ा कर देंगे और यहां से जो भी आप देना चाहते हैं ज्वेलरी के कुछ आइटम, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से दे देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये और भी अच्छा लगने लगा है। इसे आप ऊपर की ओर देना चाहते हैं या नीचे की ओर, तो ये आपके मन से हैं। तो जैसे भी आपको इमेज सूटेबल लगता है उस तरह से आप इसे सेट करते हैं। यहाँ से अभी इन सबको हम सेट करते हुए बारी बारी आपको अच्छे से दिखाते हैं। पहले उस पर हम जाएंगे टेक्स्ट पे और कलर करते हैं। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें कलर आ गया है। मैटर को सेंटर कर देंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे जी, जो शॉर्टकट है इंटरेक्टिव फिल टूल का। इसमें दो कलर भर देंगे, एक येलो और ऊपर कर देते हैं वाइट। इस तरह से और भी आप देख सकते हैं खूबसूरत लगने लगा, इसमें कलर खिल भी रहा है। ब्लैक कलर का आउटलाइन लगा देंगे और प्रेस करेंगे F12।
F12 के द्वारा आउटलाइन के विथ को 3 पॉइंट बिहाइंड फिल एंड फिर करते हैं इसे ओके। इस तरह से आपका डिज़ाइन अच्छा लगने लगेगा। यहाँ से इस मैटर को लेंगे और हम इनमें सेट कर देते हैं, इसे छोटा कर देंगे और इसमें कलर कोई फिल करते हैं, या कोई यदि आप पट्टी देकर, जिसे बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल टूल के द्वारा, कोई शेप देकर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इनके साइज को और छोटा कर लेंगे और इनमें कोई कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ से हम येलो कलर डार्क वाली थोड़ी फिल करेंगे और फिर उसके बाद इसके कॉर्नर को करते हैं रोटेट। फिर F8 प्रेस करते हुए टेक्स्ट को कंट्रोल होम के द्वारा ऊपर करें और यहाँ से रेड कलर लगा दें। राइट क्लिक करते हुए वाइट कलर पर आउटलाइन लगा सकते हैं। F12 प्रेस करेंगे और आउटलाइन के विथ को 2 पॉइंट बिहाइंड फिल एंड ओके करते हुए शिफ्ट के द्वारा इसे सेलेक्ट करते हुए CE प्रेस करते हैं और ये मैटर सेंटर में आ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस शेप के आउटलाइन, इसे सेलेक्ट करें और कट पे राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन रिमूव हो जाएगा। एक साथ सेलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे तो मैटर सेंटर में सेट हो गया है। इस तरह से आपका डिज़ाइन देखने में खूबसूरत और अच्छा लगने लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इन सब चीज़ों को बनाया गया और यहाँ से इन सब मैटर को भी सेट कर देंगे। इनके टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहते तो यहाँ पे जाएंगे और हम कर देते हैं एरियल ब्लैक और यहाँ पे हम सिंबल लगा देते हैं हैशटैग, जिसका मतलब होता है मोबाइल नंबर का। इसके भी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते तो हम यहाँ से भारतीय फॉन्ट लगा देते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप इमेज निकालते हैं, कैसे टेक्स्ट लिखते हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देख पाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स से इसे कट करते हैं और इसमें जाने के बाद पेस्ट कर देते हैं और इसे हम बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे डिज़ाइन को सेट कर देंगे। यहाँ पर आते हैं, मैटर को हम छोटा कर देंगे और वाइट कलर लगा देते हैं। मैटर को करेंगे सेंटर और इसे थोड़ी ऊपर की ओर हम कर देते हैं सेट। मैटर आपका ये सेंटर में हो गया है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे मैंने इसका डिज़ाइन तैयार किया। अब हम चाहते जो वर्टिकल है, वर्टिकल में कैसे इसे सेट करेंगे, तो उसके लिए इसे सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करके इधर कर देते हैं और छोड़ने से पहले करेंगे राइट क्लिक। अब हम चाहते हैं सेम टू सेम कलर इसमें आ जाए, तो उसके लिए सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना होगा और जाना होगा एडिट मेन्यू, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। यहाँ से आने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है कॉपी प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ से करेंगे फिल, फिर करते हैं ओके और यहाँ से हम कर देंगे इस पर क्लिक। तो आप देख सकते हैं कलर आ गया है। या तो एक तरीका मैं और आपको इजी बता देता हूँ, इसे आप सेलेक्ट करेंगे और इस साइड लेकर आएंगे और छोड़ने से पहले करेंगे राइट क्लिक, फिर इसे आप इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं, आपका समय भी बच जाएगा। इसे सेलेक्ट करते हुए इसे प्रेस करेंगे CE, ये ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा। अल्ट के द्वारा बैक साइड का हमारा डिलीट हो जाता है और यहाँ से इन सब मैटर को भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस मैटर को हम लेंगे कंट्रोल होम से ऊपर की ओर, यहाँ से हम इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ से लेते हैं इस मैटर को और हम इसे भी सेट करते हैं कंट्रोल होम से ऊपर की ओर और इसे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। कंट्रोल इस मैटर को हम करेंगे सेंटर और इसे हम यहाँ पे अच्छे से सेट कर देते हैं। ऊपर हम कुछ आभूषण भी लगा सकते हैं। इस मैटर में हम चाहते हैं कि यही वाला इफेक्ट आ जाए, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे Ctrl+K, तो ऑटोमेटिक ये हमारा सेट हो जाता है। यहाँ से ये हमारा सेट हो जाने के बाद इन सब मैटर को भी सेट करेंगे, तो यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल के द्वारा वही कलर को ले लेंगे, ये हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा मैटर। इसमें वही कलर फिल कर देते हैं इस तरह से और इसके आउटलाइन को हटा देते हैं। इस टेक्स्ट को लेंगे और इसमें सेट करते हैं कंट्रोल होम से ऊपर की ओर। यहाँ से मोबाइल नंबर और इन सब डिटेल को भी हम नीचे कर देते हैं कंट्रोल होम से। ई से मैटर को करेंगे सेंटर और इसमें सेट करते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट कर देते हैं, मैटर को कर देते हैं सेंटर। अब यहाँ से हम लेंगे इन सब इमेजेस को और आप कंट्रोल होम से ऊपर की ओर कर सकते हैं और इसे भी सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल होम से ऊपर की ओर कर देते हैं। फिर इसको हम करते हैं डिलीट, इसे भी हटा देते हैं, या तो हम इसे कंट्रोल जी से ग्रुप करते हुए यहाँ से हम इसके सेंटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने इसको सेंटर में किया, इसे हम कर देते हैं सेंटर। सी प्रेस करेंगे ये मैटर आपका सेंटर में आ जाएगा। तो देखा दोस्तों एक हमने यहाँ पे नॉर्मल इस तरह के बनाया,
और इस तरह से हमने डिज़ाइन को कंप्लीट किया। किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले उसके मैटर को कलेक्ट करना होता है। मैटर कलेक्ट रहते हैं तो आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं। यदि आप इससे और भी खूबसूरत डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाना सीखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और भी कई नई तरह के डिज़ाइन सीखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आज के क्लासेस आपको अच्छे लगे। अगर आपको क्लासेस अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। उम्मीद करेंगे कि आपने इससे सीखा और मेहनत करने के बाद इससे और बेटर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और भी नए डिज़ाइन और भी नए थीम कंटेंट के साथ। तब तक आप सीखते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।